तो आज मैं ऐसा गेम लाया हूँ जिसको मैं पहले भाई बहुत खेलता था और मैंने बीच में डिलीट कर दिया था, फिर डाउनलोड किया था, फिर डिलीट किया था, ऐसा चल रहा था। लेकिन मैंने आज के मतलब अभी के टाइम पे ना इसको मैंने खेलना शुरू किया है और तुम देख ही सकते हो अभी मैं 3 लेवल में पहुँचा हूँ इसमें। और मैंने बॉक्स खोला और मेरे को ज़्यादा कुछ खास नहीं मिला। इस गेम को यार एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छा गेम है। ओ भाई नया मिल चुका है मेरे को, लेकिन ये ज़्यादा खास नहीं है यार मेरे लिए, क्योंकि ये ना एक ही करेक्टर को समा सकती है। इसका ना एबिलिटी है कि ये रिकवर करती है मारते मारते, तो भाई इसका ना बस एक ही बंदे से बैटल कराओगे तो ही अच्छा है। मतलब 2-3 बंदे से बैटल करेगी तो ये आसानी से हार जाएगी, इसलिए मेरे को ये पसंद नहीं है। और भाई ये देखो यार, मैंने थोड़ा कम वाला कार्ड रखा ना, तो फ़ायदा हो गया। मतलब ना जितना ज़्यादा कार्ड का नंबर रहेगा ना, जैसा कि ये 3 है और जिसका 10 है वो 10 वाला ज़्यादा टाइम लेगा और 3 वाला कम टाइम में हो जाएगा, ऐसा है। और जो ज़्यादा टाइम में आता है ना कार्ड, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और बहुत ज़्यादा ताकतवर रहता है, लेकिन कम वाले थोड़े से कमज़ोर रहते हैं। तो इसीलिए इस पे ना थोड़ा लक वाला गेम भी है और भाई दिमाग वाला गेम भी है। मतलब तुम लोग को चूज़ करना है कहाँ पे कहाँ करेक्टर ले जाना है। और भाई टाइम लगता है, तुम लोग देख ही सकते हो कार्ड को, टाइम लग रहा है मेरा, तो देख ही सकते हो ये बहुत ज़्यादा फन गेम है। तुम लोग ट्राई ज़रूर करना इसको। एक बार और समझा देता हूँ, तुम लोग बीच में देख सकते हो मेरा 10 वाला है और भाई ये बगल में देख सकते हो अभी 5 वाला था, उसको मैंने 5 वाले को लाया ना, वो 10 वाला मेरा हो नहीं रहा है जल्दी, बाकी के जो कम नंबर वाले वो जल्दी हो रहा है। तो ऐसा ये काम करता है, अगर तुम लोग को समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ट्राई कर लो यार गेम को, बहुत ईजी है समझना। और यहाँ पे भाई मेरे को बहुत अच्छा वाला चेस्ट मिला, इसमें ना टाइम रहता है यार, मतलब जितना ज़्यादा अच्छा चेस्ट उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है इसको खुलने में। अभी के लिए मेरे को 3 आवर वेट करना पड़ेगा तभी इस बॉक्स को खोलने के लिए टाइम पे लगा सकता हूँ मैं। और ये 8 आवर है, नहीं 8 आवर नहीं था यार, 12 आवर था, तो 12 मेरे को 12 घंटे वेट करना पड़ेगा तभी ये खुलेगा। 3 घंटा और एक्स्ट्रा मेरे को वेट करना पड़ेगा तभी मैं इसको टाइमर में लगा सकता हूँ 12 घंटे के लिए, उसके बाद खोल सकता हूँ। भाई कितने चुसले हैं भाई इस गेम के, लेकिन यार फन तो है यार गेम खेलने में। और ये ऑनलाइन है, ऑफलाइन तो नहीं है ये। चलो मैं अच्छे लीड में हूँ मेरे को लगता है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि इसके करेक्टर में भाई उसने रेज मोड डाल दिया था, मतलब वो कार्ड आता है एक, लेकिन मैंने नहीं लिया था। लेकिन अभी मैं लीड में चल रहा हूँ, मेरे को एक करेक्टर डालना है जो कि सामने जाके लड़ सके, और ये बहुत अच्छा करेक्टर है, एक को जला देगा। चलो बहुत बढ़िया, ये एक करेक्टर को जला देता है, मतलब एक करेक्टर खल्लास, उसके बाद ये आगे जाता है और लड़ता है, इसीलिए ये कार्ड मेरे को अच्छा लगता है यार, इस डेविल का कार्ड, डेविल बोल सकते हो इसको। और भाई मैं एक सामने वाले को ले जाता हूँ ना, तभी तो ये पीछे से मार पाएगा। इसका ना एच पी कम रहता है यार पीछे वाले का, मतलब पीछे से जो मारता है ना लॉन्ग रेंज का, उसका ना एच पी कम रहता है, वो फट से मर जाते हैं। इसके लिए मेरे को सामने में एक बंदे को लाना पड़ता है। और भाई इसने फिर से डेविल को बुला लिया, इसीलिए मेरा वो बंदा गया, लेकिन उसी कार्ड को मैंने फेंक दिया। लेकिन अभी जोकर आएगा, ये जोकर भी सही है यार, मतलब इस ये ना दूसरे को ना सामने वाले को पीछे ले जाता है, और इसका कैसल टूटने वाला है। और भाई मैंने इसका नाम नहीं बताया, इसका नाम है कैसल क्रैश, इस गेम का नाम है कैसल क्रैश। तुम लोग आराम से प्ले स्टोर में ढूंढ के डाउनलोड करके खेल सकते हो। और भाई ये गेम बहुत ज़्यादा फन है, ट्राई करना एक बार ज़रूर से। तो आज के लिए बस इतना ही, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके जाना। बाय बाय।